जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत खुशियों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सची में किसान भाई मन, देखो किसान एखन जाड़ कर मौसम जो है शुरू हो जाए है, और जाड़ कर मौसम में हमारे मन के आपन बट भी ख्याल रखना जरूरी है और संगे संगे सबकर देखभाल करना जरूरी है, लेकिन कार्यक्रम के और भी करना जरूरी जी हाँ, हर बार की तरह आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके लाई है, यानी जानकारी भी बहुत सारी लेकर आए हैं, लेकिन इन जानकारियों को पाने में करना होता है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार से पहले हम दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सबा गुलवेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालक उठा सकते हैं मत्स्य फसल बीमा योजना से लाभ। कांके में मेगा कृषि ऋण शिविर का आयोजन। आज हम जानेंगे हरा चारा अजोला तैयार करने की विधि। और अब समाचार विस्तार से। मछली पालन के विकास के लिए मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है मत्स्य फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत राज्य में मछली फसल का बीमा कराने के लिए प्रीमियम की आधी राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा और आधी राशि का वहन स्वयं लाभुक द्वारा किया जाएगा। बीते दिनों कांके प्रखंड के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक बुकरू शाखा में मेगा कृषि ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड पीएनबी के मंडल प्रमुख वी के महाजन, जिप सदस्य मोहम्मद मजीद अंसारी, शाखा प्रबंधक उमेश सिन्हा ने लाभुकों के बीच ऋण वितरण किया। इस दौरान लाभुकों के बीच 112 केसीसी, एक ट्रैक्टर, 10 डेयरी और 2 स्वयं सहायता समूहों के बीच 72,75,000 की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। दुधारू पशुओं के लिए अजोला एक पौष्टिक चारा है जिसे किसान स्वयं तैयार कर सकते हैं। पौष्टिकता के अलावा इसकी खासियत ये भी है कि ये बुआई के 15वें दिन बाद खाने लायक तैयार हो जाता है। अजोला बनाने का विधि सबसे पहले है 7x4 का एक आप आकार बना लीजिए सीमेंटेड करके, या तो आप ये प्लास्टिक में भी इसको कर सकते हैं, जिसमें से आपको पहले मिट्टी 35 से 40 केजी, गोबर 5 से 10 केजी, दोनों को मिक्स करके इस आकार में डाल के और उसके ऊपर 5 से 6 इंच पानी इसमें डालकर उसके ऊपर से आप ये अजोला कल्चर डाल दें, और ये आपको 10 से 12 दिन के अंदर ये पूरे कवर कर लेगा। 7x4 का जो भी आप बेड बना रहे हैं वो आपको 10 से 12 दिन के अंदर कवर कर लेगा, और आप 15वां दिन से इसको आप गाय एवं भैंस को खिला सकते हैं। जो किसान लत्तीदार सब्जी फसल नेनुआ की आगात खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए पूसे चिकनी, पूसा सुप्रिया, लॉन्ग ग्रीन या लॉन्ग व्हाइट नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। लत्तीदार सब्जी फसल नेनुआ की आगात खेती के लिए दिसंबर से जनवरी महीने तक फसल लगा दें। प्रति थाला 3 से 5 बीज सीधे बोएं, पौधों के बीच 2 से 2.5 मीटर की दूरी रखें तथा 5 से 7 दिनों पर पटवन करते रहें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नेनुआ के उन्नत प्रभेद पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, लॉन्ग ग्रीन या लॉन्ग व्हाइट लगाएं। इनकी उपज क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कृषक बंधु कृषि उपकरण पशुचालित बहुउद्देश्यीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी, शलजम और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है और 25% उपज में वृद्धि होती है। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलेंगे जो उन्नत खेती के लिए नई कृषि तकनीक के पक्षधर हैं। एक किसान जब अपनी खेतीबाड़ी का काम नई कृषि तकनीकों को अपनाकर शुरू कर देता है तो वह तेजी से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। ऐसे ही एक तरक्की पसंद किसान से आज हम मिलेंगे, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी खेतीबाड़ी का हाल। किसानों को ये नहीं समझता हूँ कि जो ये
दंश हमेशा जो है सो झेलना पड़ता है, वो जो है सो झेलना जो है सो पड़ेगा। अगर यदि आपके पास सकारात्मक सोच है खेती के प्रति और आप एकदम लगनशील तरीके से और उसको जो है सो अच्छी तरह से अगर यदि आप खेती करते हैं तो एक एकड़ फूलगोभी अगर यदि आपकी आप सही ढंग से लगाते हैं और फूलगोभी अगर यदि आपकी सही हो जाती है तो समझिए कि एक एकड़ में कितनों कम तो आप जो है सो 2 लाख रुपया से कम का मुनाफा जो है सो एक फसल से नहीं ले सकते हैं। वो तो हमारी समझिए कि रेट के ऊपर भी निर्भर करती है, लेकिन मैं ये अनुभव किया हूँ और मैं इतनी जो लाभ है मैं एक एकड़ में जो है सो 2 लाख तक का जो है सो फूलगोभी जो है सो बेच चुका हूँ। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपये से 2,200 रुपये, चावल मध्यम 2,400 रुपये से 2,700 रुपये, चावल उत्तम 3,300 रुपये से 4,400 रुपये, गेहूँ 1,600 रुपये से 1,900 रुपये, चना 3,600 रुपये से 3,800 रुपये, दाल अरहर 5,500 रुपये से 6,800 रुपये, दाल मसूर 4,600 रुपये से 5,500 रुपये, दाल चना 3,800 रुपये से 4,200 रुपये, सरसों तेल 8,600 रुपये से 9,400 रुपये, चीनी 3,300 रुपये से 3,400 रुपये, आलू 1,200 रुपये से 1,400 रुपये और प्याज 2,300 रुपये से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, चौहान। देखन देख ली हमारे कृषि समाचार और कृषि समाचार के तहत हमारे जानकारी कर ली कि जे नवा नवा विधि और जे तरीका और जे किसी मना है से बारे में जानकारी हमारे कर ले ली, जान ली बाजार भाव कर बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में जाना और साथ साथ बहुत सारी खबरों के बारे में भी जाना, लेकिन और भी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा
और तो और बिजली के बिलों का भुगतान डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम करवा दे सब किसान मनकर फिर से हमरे स्वागत करेला अपन कार्यक्रम में। कार्यक्रम में हमरे मन अब और करेला विशेष जानकारी से। जी हाँ, और जो आज की पहली वाली जानकारी है वो ये है कि ठंड का जो मौसम है वो काफ़ी अपने खुमार पे है और इस खुमार पे हम अपनी जो देख रेख है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। और साथ ही किसान बंधु जो हैं उनके लिए आज की जो सबसे वाला जो अच्छा वाला सा जो जानकारी है वो ये है कि अगर आप पशु घर में रखे हुए हैं, पाले हुए हैं, तो किस तरह से आप उनका प्रबंधन करें, माने देखभाल करें किसान मन कि अगर मान लो कोनो किसी से उमन के जाड़ लग जाते हैं तो कैसे हमारे मन पर रक्षा कर सकीला, सुरक्षा कैसे कर सकीला, एक बारे में हमारे के विशेषज्ञ जानकारी देवे तो हमारे मन फटाफट एक बारे में जानकारी लो। विशेषज्ञ हैं हमारे मन संगे डॉक्टर पंकज सेठ। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है जाड़े के मौसम में पशुओं का प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जाड़े का मौसम आ चुका है और इस समय में पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है या प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, तो इससे हमारे किसान भाई किस तरह से करेंगे इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है किसान भाइयों के लिए। खास करके आप देखते हैं भानु जी कि पशुपालन जो है पाँच चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसका हम लोग पाँच मूल मंत्र या पाँच स्तंभ कहते हैं। पहला मूल मंत्र है कि अच्छे नस्ल का चुनाव, दूसरा है आवास का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से, तीसरा संतुलित आहार का प्रबंधन, और चौथा है कि बीमारियों का देखभाल, और पांचवा जो होता है मूल मंत्र है विपणन का व्यवस्था, बाजार का व्यवस्था, और अंतिम अगर आप कहा जाए तो किसान भाइयों का इच्छा होना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि जैसा आपने कहा कि जाड़े का मौसम है और पशुओं का देखभाल करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आवास प्रबंधन करते हैं, चाहे किसी भी नस्ल का पशु हो, चाहे देहाती हो, चाहे हम लोग विदेशी नस्ल का भी रखते हैं, चाहे क्रॉस रखते हैं, तो उसको हम लोग आवास प्रबंधन, समुचित आवास प्रबंधन देंगे तभी वो अच्छा कर सकता है। तो आवास प्रबंधन हम लोग जाड़े के दिनों में आसपास की जो झाड़ियाँ हैं फार्म के आसपास, या तो उनका गौशाला है चाहे उसका पशु बड़ा बोलते हैं, उसके आसपास का झाड़ी को हम लोग साफ़ सुथरा कर देंगे, और देखेंगे कि पेड़ पौधे में डालियाँ बहुत हो जाती है जिसके चलते धूप आसानी से नहीं जा पाता, तो हम लोग डाली को छांट देंगे जिससे कि रोशनी और धूप आराम से उसमें गौशाला में बड़ा में जा सके। और उसके बाद हम लोग ऐसा जगह रखेंगे कि पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, पानी और जल का जमाव एकदम नहीं होना चाहिए, उसके बाद हवा आसानी से आ सके, ऐसा हम लोग व्यवस्था करेंगे। उसके बाद आवास में हम लोग बेडरिंग मटेरियल कहते हैं, उसमें हम लोग पुआल डाल देते हैं। अगर बच्चा है पशु के साथ में, एक किनारे हम लोग पुआल डाल देंगे, 5 से 6 किलो का पुआल डालेंगे और सप्ताह में उसको बदलते रहेंगे। अगर सुकरी है, खास करके हम लोग सुकरी में इसलिए बात कर रहे हैं कि सुकर पालन हम लोग का झारखंड में एक विशेष महत्व रखता है, अगर सुकरी बच्चा साथ में है तो 8 से 10 किलो तक एकदम ही नहीं रखना है, चूँकि पुआल में दबने का डर रहेगा, उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और कभी कभी उसका सुकरी मादा जो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, और वो बैठेगी उठेगी तो उसमें दबने का डर रहेगा, उसमें मरने का बच्चा का खतरा रहता है। अगर पुआल की जगह हम लोग भूसा का अगर व्यवस्था कर दें, धान की भूसा का, तो और ही उत्तम होगा, उसमें एक तो गर्मी भी हो जाएगी और दूसरा क्या है कि जो मल मूत्र उसमें होगा, और कोई किसान भाई अगर मछली पालन करते हैं तो उस भूसे का हम लोग पूरक खाना के रूप में मछली पालन में हम लोग डाल सकते हैं। कि आवास प्रबंधन के बाद हम लोग आहार का प्रबंधन करना जरूरी है, इसमें खास करके एनर्जी डाइट, जिसमें शक्ति, तो अगर हम लोग आदर्श खाने का या तो संतुलित आहार का व्यवस्था करना चाहते हैं तो 60% हम लोग मकई का दर्रा देंगे, चोकर हम लोग 20% देंगे, और कोई भी खल्ली, चाहे सरसों का खल्ली हो, तीसी का खल्ली हो, जो आसानी से उपलब्ध हो गांव घर में, उसका हम लोग 15% हम लोग खल्ली का व्यवस्था करेंगे। साथ में ये हम लोग नमक खिलाना नहीं भूलें, तो नमक भी 1% हम लोग का डालना जरूरी है। और किसान भाई, आप लोग देखते हैं कि आजकल खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पशुपालन में, तो हम लोग 1% खनिज लवण का भी उसमें व्यवस्था करें। इस तरह से हम लोग 100 किलो का अगर हम लोग आहार बनाते हैं
तो खनिज लवण का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो आप खाने के बाद आप देखते हैं कि खास बीमारियां होती हैं ठंडे के मौसम में, तो इसमें हम लोग टीकाकरण करेंगे। टीकाकरण हम लोग खुरहा चपका का इस मौसम में नवंबर महीना में एकदम कर देना है, चाहे सरकार के द्वारा व्यवस्था हो या तो खुद 10 रुपया या 20 रुपया का दाम होती है उसका हम लोग लगा के हम लोग खुरहा चपका का टीकाकरण करेंगे। अगर गाय बैल में आपको टीकाकरण करना है तो 5 ml चमड़े में देना है, और साल में अगर एक बार हम लोग कर देते हैं तो खुरहा चपका बीमारी नहीं होगा। बकरी सुकरी चाहे भेड़ पालन जो करते हैं उसको 3 ml हम लोग चमड़े में देंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। दूसरा इसमें देखिएगा, ठंडे के मौसम में चर्म रोग बहुत होता है, चमड़ा देखिएगा कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, बाल झड़ने लगता है, बाल उखड़ा दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग करंज का तेल या तो नीम का तेल अगर हम लोग 15 दिन में अगर हम लोग रेगुलर लगा दें अंतराल 15 दिन के अंतराल में तो चर्म रोग नहीं होगा, चमड़ा जो सफ़ेद दिखता है वो नहीं होगा। अगर इसके साथ हम लोग थोड़ा 10 ग्राम गंधक और कपूर आरती वाली कपूर 2-3 रुपये का आरती वाली कपूर मिला देते हैं तो इसमें और ही फायदा होता है। तो आप देखेंगे कि जो गाय को हम लोग लगाएं चाहे पशु बैल को लगाएं चाहे बकरी को लगाएं तो देखिएगा कि चमड़े का बीमारी नहीं होता है। और जाड़े में खास करके देखिए जो बकरी पालन करते हैं तो बकरी के जो छोटे बच्चे छौना जिसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया खूब होता है, तो निमोनिया से बचाना जरूरी है। और एक बीमारी और होता है PPR, तो PPR का टीकाकरण बकरी में करना जरूरी है। और निमोनिया से बचाने के लिए आवास जो हम लोग करेंगे तो दीवार के साथ हम लोग 4 फीट का बांस का फट्टी से ये उसका बैठने के लिए बना देंगे और उसी में खाना देंगे, उसी में पानी पीने के लिए बर्तन में देंगे, तो जब बकरी नीचे ज़मीन पर नहीं बैठेगी तो निमोनिया होने का चांस कम होता है और बकरी में मरने का वृद्धि भी उसका कम होता है। अगर हम लोग ज़मीन में रखते हैं तो निमोनिया ज़्यादा और बच्चे काफ़ी मरते हैं। आपको मुर्गी में भी अगर पशुपालन के साथ मुर्गी में भी जाएं तो मुर्गी में भी अभी खास बीमारी होती है, देखिएगा बर्ड फ्लू का प्रकोप आने लगता है, तो इसका भी हम लोग टीकाकरण इस समय में हम लोग कर देंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, खासकर जो दुधारू पशु होते हैं उनकी प्रबंधन किस प्रकार हमारे किसान भाई करें? बहुत अच्छा सवाल किया। जाड़े के मौसम में देखिएगा कि दुधारू पशु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि दूध हमारे शुरू से जब बच्चा जन्म लेते हैं और मनुष्य मरते हैं तब तक अमृत के रूप में काम करता है, तो दूध हमको बढ़ाना जरूरी है। दूध हमको बढ़ाना जरूरी इसलिए है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उसके लिए हम लोग जो दुधारू गाय है तो हम लोग 2.5 किलो जो दूध देती है उसके लिए 1 किलो का राशन हम लोग देते हैं, और ये भी ठंडे के मौसम में गुड़ का खिलाना जरूरी है, तो हम लोग उसके राशन में 5% गुड़ हम लोग खिलाएंगे, जिससे कि उसको ऊर्जा भी मिलेगा और जो बीमारियाँ होती है खास करके वो उसका भी रोकथाम होता है। उसके बाद हम लोग जो दुधारू गाय है तो उसका हम लोग 1 किलो तो दे ही रहे हैं दूध के हिसाब से, उसके अलावा हम लोग 0.5 किलो और राशन देंगे, दाना देंगे, तो दूध ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसके साथ हम लोग कैल्शियम पिलाना नहीं भूलें। किसान भाई, आप अगर दूध उत्पादन कर रहे हैं तो कैल्शियम पिलाना नहीं भूलें, कैल्शियम जरूर दें, बहुत कम मात्रा में देना। अगर हम 10 ml कैल्शियम भी पिलाते हैं तो दूध का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जाड़े के मौसम में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। भानु जी, जोहार किसान जी। और तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपनी दूसरी वाली भी जानकारी दे देते हैं। दूसरी वाली जानकारी क्या है? दूसरी वाली ड्रिप विधि है ना, मतलब की जो टपक विधि है नी, बूंद बूंद से हमारे मन कैसे सिंचाई कर सकेला। काची कर खेती बाड़ी तो हमारे करते ही किसान मन, लेकिन हमारे मन जो पपीता मन लगाएला चाहे और कोनो किस्म का जो पौधा मन लगाएला सीखे, हमारे मन बूंद बूंद कैसे करके सिंचाई कर सकते, एक बारे में बड़ा नगद जानकारी है। और जानकारी ये वास्ते है कि भाई किसान खेती करत है नी, जो उपेंद्र महतो जी हैं बड़ा नगद किसान है और पपीता का खेती बड़ा मात्रा में खेती। पपीता का जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसे हरे जब होते हैं तब इसे सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है, और जब ये पक जाते हैं तो एक बहुत ही पौष्टिक तत्व इसमें रहते हैं, और साथ ही साथ पपीता जो स्वास्थ्य है उसे काफ़ी जो चीज़ें हैं ना मुहैया करा देता है, एकदम विटामिन सी का ये स्रोत माना जाए किसान मन, तो इकर खेती हमारे कर सकेला और खेती करके हमारे अपन स्वास्थ्य कर संगे संगे अपन जो कमाई है सके भी कर में बढ़ा सकेला। तो और कुछ भी नहीं बोलते हैं, फटाफट जान लेते हैं ये पूरी जानकारी। आज हम आए हुए हैं आनंदी ग्राम में, और इस सफलता वाली कड़ी में एक हमारे साथ सफल किसान आ गए हैं, उपेंद्र महतो जी। तो ये जो आपने पपीते का पौधा लगाया है तो इसकी शुरुआत से देखभाल कैसे की, और अभी जब फल लगे हुए हैं तो इसमें और कौन कौन से विशेष देखभाल की ज़रूरत है? विशेष तो अभी कीड़ा का ज़रूरत पड़ता है, तो कीड़ा के लिए सलाह हम वहाँ प्लांटों से लेते हैं। उसके बाद यहाँ जब शुरुआत में लगाए था तो उस समय तो हम गर्मी का पश्चात लगाए थे, अप्रैल में हमें तो अप्रैल में लगाए थे, उस पीरियड में
उतना बीमारी तो नहीं आता तो, लेकिन परेशानी थोड़ा सिंचाई का था तो सिंचाई हम करके इसको निकाल लिए हैं। अभी तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि मल्चिंग किए हुए हैं और ये जो ऊंचे ऊंचे जगहों पे मतलब पौधे लगाए हुए हैं, तो इस पे सिंचाई आप कैसे करते हैं, इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था यही है कि ड्रिप है। इसके मल्चिंग के नीचे एक पाइप लेटरल बिछाया हुआ है, उस लेटरल के अंदर वो टिपक सिंचाई होता है, उसी के माध्यम से हम सिंचाई इसको कर रहे हैं। इसमें हमको पानी कम लग रहा है। उपेंद्र जी, आपने बताया कि इसकी जानकारी आप पलांडू से लेते हैं, तो वहाँ के विशेषज्ञ एक धनंजय कुमार जी हैं जो आज हमारे साथ आपके खेतों में मौजूद हैं, तो इनसे आपकी जो समस्याएं हैं उसका निदान आप कैसे करेंगे ये जानकारी दें। धनंजय जी, अभी उपेंद्र जी बता रहे थे कि इन्होंने आपसे सलाह ली है और पपीते की खेती की है, तो अभी जो समय है जिसमें फल लगे हुए हैं उस समय इनकी देखभाल ये कैसे करेंगे? किसान भाई, मतलब उपेंद्र जी के अलावा और भी जो किसान भाई पपीता की खेती किए हुए होंगे, तो पहला तो है कि अगर कुछ कीट का प्रकोप हो तो आप उसका, जैसे कभी कभी फल में छेद करने वाला कीट हो या पत्ती में रस चूसने वाला कीट हो, तो उसका आप अगर आपके खेत में है तो उसका नियंत्रण करेंगे। जैसे कि अगर रस चूसने वाला कीट अगर आपके खेत में दिखाई पड़े तो एक तारा नामक दवा जो है आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो उससे रस चूसने वाले कीट का नियंत्रण हो जाएगा। अगर कहीं पर मतलब फल में छेद करने वाला या पत्ती में छेद करने वाला कोई उस तरह का कीट आपके खेत में हो तो लार्विन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से मिला करके अगर छिड़काव करेंगे तो उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ किसान भाइयों एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जैसे कि होता क्या है कि कुछ लगता है कि हमारा पौधा में बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी नहीं होता है, पोषक तत्व की कमी से होता है। तो जैसे कि सूक्ष्म पोषक तत्व में बोरन का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है पपीता में। अगर पपीता में महीना में एक बार जो है जब फल लगने लगे तो बोरन जो है, बोरन पाउडर को 4 ग्राम प्रति लीटर के दर से अगर आप अपने पपीता के पौधा पर छिड़काव करेंगे तो उसमें जो है आपका फलन जो है अच्छा होगा, फल का साइज अच्छा होगा। उसके साथ साथ किसान भाई एक चीज़ और ध्यान देंगे कि पपीता जो है पोटास की बहुत ज़्यादा खोजता है, क्योंकि इसका फल आप एक पौधा से आपको 40 किलो 50 किलो 60 किलो पूरे सीजन में 1.5 से 2 साल में आपको जब उपज लेना है तो उसके लिए जो है आपको पोटास की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और जब आपका फल फूल लगने लगे तो उस समय पोटास आपको ज़्यादा चलाना है, नाइट्रोजन और पोटास आपको ज़्यादा चलाना है, जिससे कि फल की गुणवत्ता भी बना रहे, साथ साथ फल का मतलब वजन भी जो है आपको भारी होगा, बड़ा होगा, तब जो है बाज़ार में आपको दाम मिलेगा। उपेंद्र जी, आपने देखा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको इतनी अच्छी जानकारी दी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पपीता का पौधा लगा हुआ है इसमें फल लगे हुए हैं तो ये कितने दिनों की हैं और इसकी फल की तुड़ाई आप कब करेंगे और एक पौधा औसतन कितना फल देगा? ये 18 अप्रैल का लगाया हुआ पौधा है और उसके बाद हम लोग का फल तो अब आने ही वाला है, आ ही गया है, लेकिन अब शुरुआत हम लोग लग रहा है कि दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे इसका शुरुआत बेचने का। तो औसतन आपको एक पौधे में कितने रुपए की आमदनी हो सकती है? एक पौधे में कम से कम 500 से 700 रुपये का आमदनी होगा। तो अभी जो आप नई तकनीक से खेती कर रहे हैं और पुराने जो तकनीक से खेती करते आए हैं या पुरानी परंपरा में से खेती करते आ रहे थे, तो दोनों के बीच आपको कितना अंतर? बहुत अंतर पड़ रहा है, जमीन आसमान का अंतर पड़ रहा है, इसलिए कि पुराने तकनीकी से हम खेती करते तो इतना कर नहीं पाते और अभी वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं तो लागत कम लग रहा है और फायदा इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब जो आप लगाते हैं इस सब में आपका सहयोग आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य देते हैं? परिवार के सभी सदस्य देते हैं सहयोग, और बीच में यदि नहीं होता है तो फिर दूसरे लेबर के भी सहयोग लेना पड़ता है, उसी के साथ ही करते हैं। अभी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं? अभी 2 बच्चे हैं, दोनों अभी पढ़ाई में कर रहे हैं और हम लोग अपना परिवार में जो कहें सो तो हम लोग अपने खेती पर ही लगल हैं। तो उपेंद्र जी, अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बोरोन का प्रयोग करते हैं, तो बोरोन का कितना प्रयोग करते हैं और कितना हेक्टेयर पे आप कितना प्रयोग? देखिए, हेक्टेयर के आधार पर नहीं, हम लोग लीटर के हिसाब पर करते हैं। जैसे 20 लीटर पानी है तो 20 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, और यदि पोटास चलाना होता है तो उसमें 1 एकड़ में 2 kg का मात्रा लेकर चलाते हैं, तो ड्रिप के ही अनुसार चलते हैं, पानी में ही घोल के चलाते हैं। और बोरोन जब देते हैं तो वो 1 ग्राम प्रति लीटर, और एक तरह जब डालते हैं जब भी कोई कीटनाशक दवा हो तो ये आधा ग्राम 1 ml के ही मात्रा से चलाते हैं, उससे ज़्यादा। उपेंद्र जी, अभी तक तो आपने पलांडू से ही सलाह ली है या वहाँ जा करके या फ़ोन से ही लेते थे, लेकिन आज हमारे खेतों में आपके साथ हमारे विशेषज्ञ धनंजय जी हैं, तो इनसे आप क्या सलाह लेना चाहेंगे?
इनसे यही सलाह ले चाहते हैं हम कि मेरे फल में थोड़ा सा दाग आ रहा है, पकने के बाद भी थोड़ा कल्ला आ जा रहा है, तो हम सर से यही लेंगे सलाह कि हम इसमें क्या दवा दें, कैसे हम इसको सुधार करें। धनंजय जी आपने इनका सवाल सुना, अब इसका निदान आप कैसे? किसान भाइयों, अब जैसे कि उपेंद्र जी का खेत में जो उपेंद्र जी का प्रश्न है उस तरह से आपको भी हो सकता है, क्योंकि जब देखेंगे कि कोई कोई फल में जो है ना सबसे नीचे वाला भाग में जो है हल्का रंग आ जाता है, लगता है कि पपीता पकने लगा, लेकिन बहुत दिन तक जो है वो पपीता जो है आपका पकता नहीं है, उसी तरह से रहता है। आप उसके बाद जब उस पपीता को तोड़ाई करेंगे, क्योंकि जब रंग नहीं बढ़ रहा है, पक नहीं रहा है, तो उसका कारण आप जानना चाहेंगे, तो पपीता को जब आप काट करके देखेंगे तो अंदर जो है काले काले रंग का फंगस रहता है। तो उसके लिए क्या है कि जो है आपको पहले ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके खेत में भी जैसे कि पपीता लगा हुआ है, अब दिसंबर से इनका तुड़ाई प्रारंभ होने की संभावना है, तो इस समय जो है सिस्टेमिक फफूंदी नाशक जैसे कि बवेस्टिन है या आपको रिडोमिल है नामक दवा को जो है, जैसे कि अगर बवेस्टिन करते हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके करेंगे, अगर रिडोमिल करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव 15-20 दिनों के अंतराल पर करेंगे, तो इस तरह का जो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आपके फल के अंदर जो है फफूंद लग गया है, लेकिन जब वो आप बाज़ार में जाएंगे और किसी भी व्यापारी को जब आपका देख लेगा, काट करके देख लेगा कि इस तरह का जो है बीमारी है, तो आपका जो है रेट जो है मूल्य घट जाएगा। इसलिए अभी से सावधानी के तौर पर जब फल लग गया है तो 15-20 दिनों के अंतराल पर बवेस्टिंग नामक दवा या रिडोमिल, और एक और दवा आई है जो बहुत ही अच्छी दवा है फंगस के लिए, जो है अमिस्टार करके है, सिंजेंटा कंपनी का है, तो 1 ml उसका भी महीना में अगर 1 छिड़काव प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो इस तरह के फफूंद से आप बचाव कर लेंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप पपीते की खेती करते हैं और हमारे किसान और वैज्ञानिक जो बताएं उसके अनुसार आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। बड़ा नगद जानकारी, विशेषज्ञ भी हमारे मन संगे रहे, विशेषज्ञ धनंजय कुमार रहे हमारे मन संगे, और ये बताते रहे कि भाई कैसे खेती और तरीके से हमारे मन कर सकीला और एक आमदनी के कैसे हमारे मन बढ़ा सकीला। और इसके साथ साथ मैं और कुछ बताने वाली हूँ। पूछिए क्या क्या चीज़। अरे भाई हमारा पता, क्योंकि समय हो चला है और जल्दी से आप हमारा पता लिख लीजिए ताकि आप हमें खत भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 8340001। साथ ही साथ जाते जाते ये कहना चाहें कि जो भी सारी जानकारी हम लेकर आते हैं आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सही जो हम पहुंचा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको मुनाफा हो। बोले कि मैच लग जाए तब जाकर बेरा भी हुआ। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लगे तब जो जोहार।